हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक नया रिव्यू वीडियो लेकर के आई हूँ, जो है हिमालय जेंटल बेबी बाथ। तो ये रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये हिमालय का बेबी बाथ है, मतलब बॉडी वॉश है। ये प्रोडक्ट स्पेशली बेबीज़ के लिए ही बनाई गई है, बट इसे एडल्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि बेबीज़ के प्रोडक्ट में ज़्यादा केमिकल वगैरह नहीं रहती है, तो स्किन सेफ़ रहती है, सभी लोगों के स्किन के लिए अच्छी होती है। नो टीयर्स, मतलब इससे नहाने से आंखों में आंसू नहीं आएगी, मतलब ये स्पेशली बेबीज़ के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये फ्री है पैराबिन से, SLS से, SLES से और सिंथेटिक कलर से। तो इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है। जो भी केमिकल इसमें यूज्ड हैं वो सारे सेफ हैं हमारे स्किन के लिए, इससे कोई भी हमें साइड इफ़ेक्ट होने वाली नहीं है। और ये क्लेम करती है कि ये क्लीन करेगी, नरिश करेगी और सूथ करेगी। और इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है चिक पी यानी काबुली चना और ग्रीन ग्राम मतलब हरे मूंग। चिक पी स्किन को काम सूथ्स करने में हेल्प करती है, स्किन को आराम पहुंचाती है। और ग्रीन ग्राम हेल्प करती है स्किन को सॉफ्ट स्मूथ सपल बनाने में। और ये क्लिनिकली टेस्टेड भी है और हाइप्रो एलर्जेनिक है, जो काफ़ी अच्छी बात है, इससे कोई भी एलर्जी वगैरह कुछ नहीं होगी। तो इसकी प्राइस है 215 रुपीज़ और क्वांटिटी है 400 ml की। और ये बहुत सारे डिफरेंट साइज़ में मार्केट में अवेलेबल है, जैसे ये 200 ml की आती है 113 रुपीज़ में और 100 ml की भी आती है 85 रुपीज़ में। तो आप सबसे पहले छोटा साइज़ लेकर ही ट्राई कीजिए और इसे आप यूज़ कर सकते हैं 3 ईयर्स तक मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर। और अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं इस तरह की इसकी पैकेजिंग है और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। वाइट कलर की प्लास्टिक बॉटल है ग्रीन कलर की फ्लिप टॉप कैप के साथ, जो काफ़ी टाइट है। ये टाइटली लॉक हो जाती है, लॉक होने के बाद कहीं से भी लीक होने का कोई चांस नहीं रहता है। तो पैकेजिंग वाइज ये काफ़ी अच्छी है, स्टडी पैकेजिंग है, ट्रैवल फ्रेंडली है। तो आप इसे ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसे कोई इशू नहीं होगी। और अगर इसकी टेक्सचर की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में है, जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी है और फ्रेग्रेंस इसकी काफ़ी माइल्ड है, स्वीट सी स्मेल है। और ये बॉडी पे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लगता है, तभी फॉर्म क्रिएट होता है, कम लगाने से सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, ना ही फॉर्म आता है। तो आप इसे सोप के जगह पे लगा सकते हैं अपने पूरे बॉडी पे। ये बहुत ही अच्छे से स्किन को डीपली क्लीन कर देता है, स्किन की सारी डस्ट इम्प्योरिटीज़ को अच्छे से निकाल देता है और साथ ही साथ ये स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके भी रखता है काफ़ी टाइम तक, स्किन को नरिश करता है और स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और सॉफ्ट स्मूथ स्किन प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी है स्किन के लिए, बेबीज़ के लिए तो काफ़ी अच्छी है। और क्योंकि ये बेबीज़ के लिए प्रोडक्ट है तो काफ़ी माइल्ड प्रोडक्ट है, हार्श बिल्कुल भी नहीं है। इसे लगाने से स्किन को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी हार्श केमिकल कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली ये ड्राई स्किन पीपल के लिए काफ़ी अच्छी होगी। तो ये था मेरा रिव्यू वीडियो ये प्रोडक्ट को लेकर। आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।